क्लिनिक मैं डॉक्टर अजय गुप्ता होम्योपैथिक डॉक्टर आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, पेशाब के रास्ते आपको जलन हो रही है, इसमें से खून आ रहा है, पेशाब का कलर जो है वो लाल कलर का आ रहा है। ठीक है, इन सब कंडीशन में जो मेडिसिन यूज की जाती है मैं उसकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन दोस्तों सबसे मेन इसका रीजन है, अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आपको पथरी की समस्या कहीं ना कहीं जरूर होगी, चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, या तो यूरेटर में फंसी हो या किडनी में ही पथरी क्यों ना हो, पथरी की समस्या आपको 100% रहेगी ही रहेगी। इसी कंडीशंस में दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है कुछ समय बाद। ठीक है, अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तब यूटीआई इन्फेक्शन में दोस्तों क्या होता है, यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे मेन चीज जो दिक्कत है, पेशाब आपका खुल के पूरी तरीके से फ्लो में नहीं आता है, वो रुक रुक के आता है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब इसको आप नज़रअंदाज करने लगते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पेशाब को होने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बूंद बूंद करके आता है और जलन और पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी दर्दनाक होता है ये। उस कंडीशन में आपको जाँच करानी चाहिए, जाँच कराने के बाद अगर यूटीआई इन्फेक्शन आ रहा है तो आपको जल्द से जल्द मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ, आप इसको यूज जरूर कर सकते हैं। दोस्तों पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको लेनी है, यूटीआई इन्फेक्शन की एक ड्रॉप आती है, एसबीएल ड्रॉप नंबर 3, यूटीआई इन्फेक्शन के नाम से ही आती है। इसको आपको लेना है 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम थोड़े से पानी में। ठीक है, 2 चम्मच पानी में आपको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम को लेना है। अगर कंडीशन काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों काष्टिकम की 1 mg की 1 से 2 डोज आपको हफ्ते में एक बार लेनी है। मतलब कि अगर दिक्कत ज्यादा है, ठीक है, तो एक दिन आप लेंगे, इसके 2 दिन बाद फिर से लेना है। ठीक है, और इसके 2 दिन बाद फिर से लेना है, यानी कि हफ्ते में 2 से 1 बार अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है। ठीक है, हफ्ते में 1 बार 1 mg की काष्टिकम की 1 डोज सफिशियंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको तीसरी मेडिसिन जो लेनी है वो लेनी है कैंथरिस। कैंथरिस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है यूटीआई इन्फेक्शन में। अगर आपको पथरी की भी समस्या है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेन हो रहा है, तो उस कंडीशंस में कैंथरिस बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ये 3 मेडिसिन आप डेफिनेटली ट्राई करिए, आपकी यूटीआई इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत सेफ एंड सिक्योर होती हैं। ठीक है, इसको आप जरूर ट्राई करिए। और इस ड्यूरेशन में आपको दोस्तों कभी भी खट्टी चीज़ें, लहसुन प्याज कच्चा नहीं खाना है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और सारी मेडिसिन में आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 मिनट का डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेडिसिन आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है डेफिनेटली आपकी यूटीआई इन्फेक्शन कुछ समय बाद दूर हो जाएगी। और अगर काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, या तो आप मेरी क्लिनिक पर विजिट करना चाहते हैं तो क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस, ठीक है, और सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।